A very warm good morning, everyone. How are you? Everybody fine? Okay, I'm Ruchi Gupta. I'm your EVS teacher. Mita, today we read lesson 1, My Family. Today we read lesson 1, My Family. Okay, first of all, we read this lesson. Clear? Everybody clear? First of all, we read this lesson. Family. What is the meaning of family? Can you told me? क्या आप बता सकते हैं फैमिली का मीन्स क्या होता है? यस, व्हाई नॉट? फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, ये तो हम सब जानते हैं. जो हमारा परिवार होता है, जिसमें हमारे मम्मी पापा दादाजी दादी जी चाचू चाची भाई बहन, ये सब हम साथ में रहते हैं, या फिर खाली मम्मी पापा के साथ में हम रहते हैं, तो वो हमारा परिवार होता है. तो एवरीबडी नो ना, एवरीबडी नो व्हाट इज द मीन ऑफ फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार, एंड माई फैमिली इट मीन्स मेरा परिवार. वॉट इज द मीन ऑफ माई फैमिली? मेरा परिवार. यस, स्टार्ट रीड. मेरे साथ साथ आप सबको रीड करना है एक बार. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टूगेदर. फैमिली वो है, एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, जहाँ पर हम सबका एक दूसरे से संबंध होता है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? जहाँ जिस परिवार, मतलब हम जो परिवार में रहते हैं वो क्या है, वहाँ पर हम सबका एक दूसरे से संबंध होता है. आपके फादर हैं तो आपका उनसे संबंध है कि ये मेरे पापा हैं, मदर से ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है. आप ये तो नहीं कहते ना, मैं नहीं जानता ये कौन है, ऐसा नहीं. सबसे हमारा कोई ना कोई संबंध होता है और हम सब फिर साथ में रहते हैं. A family provides love, warmth and support to its members. A family हमें क्या देती है? हमारी सुरक्षा करती है, हमें प्यार देती है और हमें सपोर्ट देती है. जहाँ जहाँ हमें उनकी नीड होती है वो हमें सपोर्ट करती है. We depend in our family for all our emotional needs. और हम हमारी हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड हैं? अपनी फैमिली पर. वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करती है. अर्लियर मोस्ट फैमिलीज हैज अ जॉइंट सेट अप वेयर द पेरेंट्स अंकल आंट्स कजिन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले. व्हाट इज द मीन ऑफ अर्लियर? ई ए आर एल आई ई आर, अर्लियर. अर्लियर मीन्स पहले. पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो फैमिलीज थे, परिवार थे, वो सब एक साथ रहते थे. आपने देखा है ना कि आपके अम्मा दादाजी चाचू चाची ताई जी ताऊ जी भाई बहन, हम सब साथ में रहते थे. तो पहले क्या होता था, सब साथ में रहते थे, लेकिन कुछ रीजंस हुए हैं जिनकी वजह से आज हमारी फैमिलीज अलग अलग रहने लगी हैं. तो पहले हम सब साथ में रहते थे, क्या रीजंस हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि आज हम सब साथ में नहीं रह पाते? उसका रीजन है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर जॉब्स एजुकेशन एक्सेट्रा, फैमिलीज आर नाउअडेज बिकमिंग स्मॉलर. क्या रीजन हुआ? रीजन ये हुआ कि आपने देखा है पहले क्या होता था, जब हम पढ़ाई करते थे तो अपने घर में ही रह करके पढ़ाई करते थे, अपने गांव से बाहर नहीं जाते थे, वहीं रह करके सारी स्टडी करते. लेकिन आज के टाइम पे बच्चा 12th पास हुआ और उसको बाहर जाना होता है, उसकी जॉब लग गई तो उसको बाहर जाना होता है. तो क्या होता है, वो अपनी फैमिली से दूर होने लगता है. और फैमिली से जब वो दूर होने लगता है तो क्या होता है, फैमिली से जब दूर होने लगता है तो वो धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिली बनती जाती है. आज आपके चाचू है, चाचू की जॉब लग गई मानो दिल्ली में, आपके बड़े पापा हैं या ताऊ जी हैं जो भी हैं, उनकी जॉब लग गई मानो मुंबई, तो क्या हुआ, वो बाहर गए ना. अब आपकी फैमिली में आप अकेले रह गए, अपने पेरेंट्स के साथ में अकेले रह गए, या फिर आपके पापा की जॉब कहीं बाहर है, या आपके पापा का काम कहीं बाहर है, या फिर आपकी एजुकेशन के लिए आपके पेरेंट्स को आपके साथ में बाहर जाना पड़ा, तो क्या हुआ, आपकी फैमिली अकेली रह गई, तो वो न्यूक्लियर फैमिली बन गई. पहले ये रीज़न था कि सब जने साथ में रहते थे, पहले बाहर नहीं जाना पड़ता था ना जॉब के लिए ना एजुकेशन के लिए, सब जने साथ में रहते थे, इसलिए वो ज्वाइंट फैमिली रहती थी और पूरा लंबा चौड़ा परिवार होता था. बट आज के टाइम पे हमें जॉब के लिए एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है,
तो इसकी वजह से हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली समझाया था अभी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे और कोई नहीं इसमें, ना आपके दादा दादी, ना आपके चाचू चाची, ना आपके ताई जी ताऊ जी, कोई साथ में नहीं है, सिर्फ आपके मदर फादर और आप लोग। इसमें बेटा दो फैमिलीज होती है। न्यूक्लियर फैमिली में भी टू फैमिलीज होती है। पहले आप मेरी बात को समझना अच्छे से। न्यूक्लियर फैमिली में टू फैमिलीज होती है, एक होती है स्मॉल फैमिली और एक होती है बिग फैमिली। जो स्मॉल फैमिली होती है, अब देखो बहन भाई जरूरी नहीं है किसी के एक ही होता है, अकेला होता है, किसी के दो बहन भाई होते हैं, एक बहन होती है एक भाई होता है, या दो भाई होते हैं दो बहन होती है, ऐसे होता है। लेकिन किसी के तीन भी होते हैं, किसी के चार भी होते हैं ना। तो इसमें भी न्यूक्लियर फैमिली में भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में मम्मा पापा और आप और आपके साथ में आपका कोई भी एक बहन भाई, मतलब मम्मी पापा के साथ में उनका एक या दो बच्चे होते हैं तो वो स्मॉल फैमिली कहलाती है। मम्मी पापा और उनके एक या दो बच्चे स्मॉल फैमिली। रिपीट अगेन, मम्मी पापा एंड उनके एक या दो बच्चे, इट मींस स्मॉल फैमिली। और बिग फैमिली, मम्मी पापा और उनके टू से ज्यादा बच्चे, मम्मी पापा और उनके टू से ज्यादा बच्चे, किससे टू से ज्यादा बच्चे, इट मींस 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बिग फैमिली। क्लियर? ओके, रीड अप। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है जिसमें खाली एक सेट, मतलब एक जोड़ा होता है मम्मी पापा का और उनके बच्चों का। इट कैन बी स्मॉल और बिग। अभी मैम ने बताया था कि उसमें भी दो तरह की फैमिली होती है, स्मॉल होती है और बिग होती है। अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स तो बिग में भी होते हैं स्मॉल में भी होते हैं, विद वन और टू चिल्ड्रन। पेरेंट्स किसके साथ में होते हैं, विद वन, स्पेशली ध्यान देना, विद वन एंड टू चिल्ड्रन। अ बिग फैमिली हैज पेरेंट्स विद थ्री और मैनी चिल्ड्रन। अ बिग फैमिली हैज पेरेंट्स विद थ्री और मोर चिल्ड्रन। और जो बिग फैमिली होती है उसमें क्या है कि थ्री या फिर थ्री से ज्यादा बच्चे होते हैं, उसको हम कहते हैं बिग फैमिली। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आपको प्रॉब्लम होंगे। आई है बिल्कुल नहीं आई। क्लियर माइंड मेकअप? इसके लिए क्या करना है, बुक की तरह रट्टू तोता नहीं बनना, हमें क्या करना है, बैठ के देखना है मेरी फैमिली, यस मेरी फैमिली में कौन कौन रहता है ये देखो, देखा अच्छा दादा दादी सब साथ में हैं, इट मीन्स मेरी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, दादा दादी साथ में नहीं है, खाली मम्मी पापा और हम रहते हैं, इट मीन्स हमारी न्यूक्लियर फैमिली है। ओके, मम्मी पापा के साथ में हम दो ही बहन भाई हैं, तो इट मीन्स हमारी न्यूक्लियर में स्मॉल फैमिली है, और अगर हम तीन बहन भाई हैं तो हमारी बिग फैमिली है। इसलिए इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। क्लियर? ओके, अब हम एक फैमिली ट्री, एक पहले एक छोटी सी चीज और समझाती हूँ आपको, इससे पहले फैमिली ट्री से पहले, एक होता है बेटा पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। पैटर्नल मैटरनल व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना नहीं, सो क्या होता है पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल, पैटर्नल होता है दादा दादी वाली साइड, मतलब पापा वाली फैमिली। पैटर्नल कौन होती है, पापा वाली फैमिली। क्लियर? अब पापा वाली फैमिली ये भी कोई दो दो फैमिली होती है, होती तो है, जाते तो है, समर ब्रेक आता है जैसे ही हम भाग जाते नानी के घर, तो वो कौन सी है, जब आप नानी के घर जाते हो क्या पापा भी वहां स्टे करते हैं आपके साथ में, रुकते हैं? नहीं, तो वो किसकी फैमिली है, वो आपकी मदर की फैमिली है। और फादर की फैमिली कौन सी है, दादा दादी वाली। क्लियर? पैटर्नल, अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे कि पैटर्नल और मैटर्नल क्या होता है। पैटर्नल पापा, पैटर्नल पापा, पैटर्नल लर्न हो गया। क्लियर? वेरी सिंपल। तो पापा पैटर्नल मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर,
अब जो ग्रैंडफादर पापा वाली साइड हैं, उनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दादा। और ग्रैंडमदर को दादी। अंकल जो पापा की साइड में अंकल रहते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ताऊजी, चाचू, ये हमारे फूफा जी, ये होते हैं ना। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है अंकल। इंग्लिश में चाचा और फूफा जी और ताऊ जी, इन सब के लिए सिंगल वर्ड है अंकल। क्लियर? तो अंकल होते हैं। आंट होती हैं, जिसमें आपकी चाची, ताई जी, बुआ जो भी हैं, ये सब पापा की साइड है ना। और आपके पापा और पापा के बच्चे, तो ये कौन हुई? पैटर्नल साइड। अब आ जाते हैं हम मैटरनल साइड पे। अब हम कहाँ जाते हैं? मैटरनल साइड पे। अब आप ये देखो, इंग्लिश बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताती है, इंग्लिश बहुत लंबा नहीं करती। इंग्लिश ने एक नाम दिया है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडफादर आप दादा को भी बोल सकते हैं और नाना को भी। ग्रैंडमदर आप दादी को भी बोल सकते हैं एंड नानी को भी। अंकल, अंकल में आपके चाचा, ताऊजी, फूफाजी, मामा, मौसाजी, ये सब एक ही वर्ड है अंकल। आंट, आंट में आपकी मामी, मौसी, बुआ, चाची, ताई जी, ये सब आपकी आंट के अंदर आती है। अब डिपेंड करता है हमें बोलना क्या है, वो हमें देखना है कि वो साइड कौन सी है। अगर पैटर्नल साइड है तो हम दादा, दादी, चाचू, चाची, ताऊजी, ताई जी, बुआ, फूफा जी, ये बोलेंगे। और मैटरनल साइड है तो बट नेचुरली ग्रैंडफादर, नाना, ग्रैंडमदर, नानी, अंकल, मौसाजी या मामा, आंट, मौसी या फिर मामी। क्लियर? और उनके कजिन, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके कजिन होते हैं और आपकी मम्मी के बच्चे। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ से फैमिली ट्री। अब मैम ने आपको न्यूक्लियर फैमिली समझाई थी, फैमिली ट्री बनाकर अ न्यूक्लियर फैमिली, इसमें आपके फादर, मदर। अब जब हम ये फैमिली ट्री करेंगे तो फादर, फादर का क्या नेम है आप वो लिखिए, मदर, मदर का क्या नेम है, चिल्ड्रन। अब कितने बच्चे हैं उनके, तो उन बच्चों के नेम लिखने हैं। अब है ये पैटर्नल फैमिली ट्री, मैम बता चुके हैं पैटर्नल मीन्स पापा वाली साइड, ग्रैंडफादर इट मीन्स दादा, ग्रैंडमदर इट मीन्स दादी। तो इधर हम दादाजी का नेम एंड पहले आप ग्रैंडफादर लिखेंगे एंड देन यू राइट एक ब्लॉक बना करके दादाजी का नेम, ग्रैंडमदर फिर दादी जी का नेम, अंकल, अंकल में आपके ताऊ जी हैं, चाचू हैं, जो भी हैं फूफा जी, उनका नेम लिखना है अंकल लिख करके। आंट में भी ऐसे ही आप उनका नेम लिखेंगे। फादर, आपके पापा का क्या नेम है, ओके। कजिन्स, अब जो अंकल आंटी के बच्चे हैं उनके क्या नेम है, वो आपको कजिन्स लिख के नीचे ब्लॉक बना करके फिर कजिन्स लिखने हैं। फादर के बच्चे कौन कौन हैं, आप अपना नाम लिखिए, मी लिख करके नीचे ब्लॉक बनाएंगे अपना नेम, ब्रदर, ब्रदर लिख करके नीचे अपने भैया का नेम, सिस्टर, सिस्टर लिख करके अपने सिस्टर का नेम। क्लियर? नेक्स्ट मैटरनल फैमिली ट्री। अब मैटरनल, मैम ने बताया था मैटरनल मीन्स मम्मी, तो ग्रैंडफादर लिख करके नाना का नेम, ग्रैंड मदर लिख करके नानी का नेम, मदर लिख करके मम्मा का नेम, अंकल आंट लिख करके अगर आपके मामा हैं तो मामा का नेम और आंट में मामी का नेम, अदरवाइज मौसाजी और मौसी का नेम, उनके कजिन्स का नेम, उनके जो बच्चे हैं उनका नेम लिखना है कज़िन लिख के, नीचे आप अपना नेम लिखेंगे ब्रदर का और सिस्टर का। क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हैव यू एनी प्रॉब्लम? मैं नहीं समझती बेटा, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। ये बहुत सिंपल है, बस सिर्फ हमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं, बुक से सिर्फ समझना है, बाकी हमें अपनी फैमिली में ही ये सब कुछ ढूंढना है। हमें रटना कुछ भी नहीं है, अपनी फैमिली में जाकर के आपको सारी चीज़ें ढूंढनी है, आपको एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं आप कितनी बार देखना, आपको कोई बात कोई बताता है और एक आप मूवी देखते हैं तो मूवी की चीज़ हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, उस मूवी में ऐसा हुआ था, उस मूवी में ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि हम वो जो पिक्चर देखते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है और पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें डायलॉग याद आ जाते हैं। इसलिए आप जो नाना नानी और दादा दादी की सारी चीज करेंगे वो पिक्चर बनाना कि हाँ नाना नानी उनकी फोटो याद करो, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, यस बच्चों, तो आज हमने
पेज नंबर 6 तक ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर 2 times रीड करने हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर को 2 times रीड करेंगे, उसके बाद अपनी मम्मा के साथ बैठ करके इस बारे में बातें करेंगे कि मम्मा आपको पता है मेरा मैटरनल साइड वो है और मेरा पैटर्नल साइड वो है। आप अपनी मम्मा को सारी बातें बताएंगे और हमारी फैमिली बिग है या स्मॉल है, हमारी फैमिली न्यूक्लियर है या कैसी है, जॉइंट है, ये सब चीज़ें आपको अपनी मम्मा को बतानी है। अब जब आप ये 2 times रीड कर लेंगे तो कुछ होमवर्क तो बनता है ना। तो जो होमवर्क होगा वो आपका यही होगा, सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे। आपको पता ही है आपके मैम का ये सबसे बड़ा पैटर्न है कि उनको पढ़ाना कैसे है। जो हम डेट मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10th, अब कौन सा मंथ है ये टेल मी, जुलाई, तो जुलाई कौन सा मंथ होता है, 7th 2020। क्लियर। यहाँ आप राइट करेंगे क्लास वर्क, CLASWORK। कौन सा चैप्टर है ये हमारा, Lesson 1, एंड Lesson 1 का जो हमारा नेम है, देखिए ये हमने इधर नेम दे रखा है माई फैमिली, तो ऐसे ही माई फैमिली लिखना है आपको। क्या लिखेंगे इधर, माई फैमिली, M कैपिटल Y स्मॉल, माई फैमिली FAMILY। ठीक है, माय फैमिली करने के बाद इधर आप लिखेंगे हार्ड वर्ड्स WORDS हार्ड वर्ड्स। नंबर 1, अब देखिए बुक ओपन करते हैं, हम अपनी बुक में देखते हैं कि हार्ड वर्ड्स कहाँ हैं हमारे। हमने सबसे पहले लेते हैं पैटर्नल, सबसे पहले हम हार्डवर्ड में लेते हैं पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल माने पापा वाली साइड। मैटर्नल MATERNAL, मैटर्नल। नंबर 3, न्यू बॉर्न, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू बॉर्न, कैन यू टेल मी, NEWBORN, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न मीन्स बेबी, वो जो पैदा होता है, जैसे जो अभी अभी पैदा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं वो बेबी जो अभी पैदा हुआ हो उसको न्यू बॉर्न। एंड चाइल्डहुड, नंबर 4, चाइल्डहुड, CHILDHOOD, what is the mean of childhood, can you tell me, childhood means bachpan, what is the mean of childhood, childhood means bachpan, clear। Number 5, education, 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 education means shiksha, education means शिक्षा। नंबर 6, डॉटर इन लॉ। अच्छा, पहले हम इसको टुकड़ों में बोलेंगे, ठीक है। डॉटर मीन्स क्या होता है, डॉटर मीन्स बेटी। लेकिन जब किसी वर्ड के आगे इन लॉ लग जाता है, तो वो दूसरा रूप बन जाता है, इट मीन्स डॉटर इन लॉ बेटी, डॉटर मीन्स बेटी, और इन लॉ मतलब ससुराल में, तो बहू, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, व्हाट इज द मीन ऑफ डॉटर इन लॉ, बहू। अब जैसे एक वर्ड मैम और देती हैं आपको समझाने के लिए, मदर इन लॉ, इट मीन्स मदर, मदर मीन्स माँ, लेकिन इन लॉ आ गया तो इट मीन्स सास, क्लियर, मतलब पापा की मम्मी, डॉटर इन लॉ बहू, क्लियर। थैंक यू एवरीवन।
आप सबको ये वर्क करना है अच्छे से, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और ये चीज स्पेशली ध्यान रखना, डेट यहाँ मेंशन करनी है, क्लास वर्क, देन यू राइट लेसन वन, माय फैमिली, हार्ड वर्ड्स, एंड देन यू राइट इट, क्लियर? राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, हर लाइन में सिंगल वर्ड लिखेंगे, इसी तरह फिनिशिंग के साथ आपको वर्क करना।